गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं सुबह इसलिए तैयार हो गया हूँ क्योंकि आज मैं, भैया, मम्मी तीनों लोग जा रहे हैं मोतिहारी घूमने, और ऐसे कुछ ऐसे ही घूमने जा रहे हैं बस, आज का कोई सीन नहीं है। तो 7 बज रहे हैं अभी, हम लोग जाएंगे बस से घूमने, और आज मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि मम्मी ने बोला था कि घूमने जाना है, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ गाइस घूमने। तो मिलता हूँ आप लोग को अभी बस पर जाके, और अभी वैसे मैं जा रहा हूँ नीचे, तो देखते हैं क्या हो रहा है। गाइस अभी का मौसम तो एकदम ठंडा है, एकदम मस्त सा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मतलब छत पर घूमने में। लेकिन 9 बजते बजते इतना धूप हो जाएगा ना कि कोई भी इंसान बाहर वेट नहीं कर सकता है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी निकल जाऊँ। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी निकल के फिर बात करता हूँ आप लोग से। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे और देखते हैं हम लोग कब तक आते हैं। तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए आज मेरे साथ क्या क्या होता है। आप लोग देख सकते हो कितने सारे रंग पड़े हुए हैं अभी भी, और शादी का मरवा। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मोतिहारी के लिए। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम धन्नो से जाएंगे, लेकिन नहीं, धन्नो रहेगा घर पे, मेरा अक्लोस। देखो मास्क कहाँ लगाया हुआ, लेकिन मास्क बहुत जरूरी है, बहुत धूल उड़ता है। और आई बिलीव इन गोइंग प्रिपेयर्ड। सो देखो गाइस आउटफिट ऑफ द डे, मेरा भी आउटफिट दिखा दो। अरे मिस सुंदरी, तो गाइस मैं अभी बस पे बैठ चुका हूँ और मेरे को मिल गया स्लीपर वाला बस, तो बहुत सही बात है। और भैया मम्मी बैठे हुए नीचे और मैं बस मस्त सो के जाऊँगा, मेरे को बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये देखो तो मस्त सीट है गाइस, मज़ा आएगा जाने में। हेलो देख सकते हो मैंने चप्पल अपना वहाँ पे रख दिया है बैक साइड में, तो मस्त सीनरी का मज़ा लेते हैं। सोते हुए मैं आराम से चले जाऊँगा, भैया मम्मी आगे बैठे हुए हैं। तो अभी डायरेक्ट बस है मोतिहारी का शायद, या मुजफ्फरपुर में चेंज करेगी नहीं पता मेरे को, देखते हैं गाइस क्या होगा, और देखते हैं गाइस कितना टाइम लगने वाला है जाने में। तो गाइस अभी भी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, तो मैं गाइस सो गया था और पता नहीं चला मुजफ्फरपुर कब आ गया, लेकिन बस ने यहाँ पे कम से कम अप्रॉक्स 1 घंटा तो रुका ही दिया। लेकिन उन्होंने बोला था कि 10 मिनट खाली बस रुकेगा, लेकिन बहुत टाइम लगाते हैं इनके बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई बस वाला बोले कि 10 मिनट रुकेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस उन्हें से शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको बस एक्सचेंज करना है तो आप तो बस एक्सचेंज कर लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा अगर जल्दी जाना है तो। और हम लोग तो फंस गए, उसने पैसा पूरा ले लिया था। और आप लोग देख सकते हो अभी मुजफ्फरपुर में ही है, तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है मोतिहारी जाने में। गाइस मैं भी आराम से लेटा हुआ और एसी का जो वेंट है मेरे ऊपर ही है, जैसे आपको दिखा दूँ मेरा, तो मस्त ठंडा हवा आ रहा है और मस्त मज़ा भी आ रहा है। तो देखते हैं गाइस कितना टाइम लगने वाला है हम लोग को पहुँचने में। तो मेरे को लगता है अभी हम लोग 2-3 घंटा और लगेगा यहाँ से निकलने में, देखते हैं गाइस कब तक पहुँचते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं जीरोमल बाईपास मोतिहारी। अरे गांधी मैदान यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। हाँ हाँ ये गांधी मैदान देखो। गाइस अभी जाके हम लोग खाएंगे चिकन शायद, तो देखते हैं गाइस अभी क्या करते हैं यहाँ पे। गाइस अभी खाने वाले हम लोग अगुना मटन, देखते हैं कैसा लगता है खाने में। Yeah.
तो गाइस मैं अभी कार में आके बैठ गया हूँ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और भैया तब से मटन पेल पेल के खा रहा है, तो मैं जल्दी खा के आ गया और मम्मी बैठी हुई है गाड़ी में। हाय कर दो, हाय करो ना। मतलब बैठे हुए देखते हूँ कब तक आएगा, पता नहीं कितना देर से खा रहा है। तो बस हम लोग यहाँ से काम वाम तो हो गया जो करने आए थे, और बस खा के यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे। अब नहीं निकलता, अब नहीं निकलता, बहुत निकलते हो तो वैभव लेके आते प्यार में। लोग चांद तोड़ लाऊंगा, सितारे तोड़ लाऊंगा, आप एक मोती नहीं ला सकते। गाइस अभी मम्मी हम लोग को लॉकर के अंदर चली गई है क्योंकि ये फड़फड़ाता हुआ पंछी बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है गाड़ी से बाहर। तो अभी ये फड़फड़ाना चाह रहा है लेकिन गाड़ी लॉक है तो ये नहीं फड़फड़ा पा रहा है। कहाँ जाओगे? बचाओ। तो बहुत पेल के खाए हो ना मटन ना? बढ़िया बात। 200 किलोमीटर चार आना जाना, 400 किलोमीटर खा गए थे तो हना मटन भी नहीं खाया अच्छे से। ठीक है, 200 किलो खा लेता उतना तक तो मैं खुद ही नहीं हूँ। बना रहा है गाड़ी को डांसिंग कार। गाइस आप लोगों ने पीके में तो बोला सुना होगा, देखा था ना, जैसे वो डांसिंग कार था जहाँ पे पीके सबके कपड़े उठाता था। मैं सोच रहा हूँ क्या मैं एक अकेला आदमी, क्योंकि सिंगल लोग क्या करें ऑब्वियसली, तो क्या एक अकेला आदमी इस कार को डांसिंग कार में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं। लेट्स सी, पैन द कैमरा। हो गया, लोग क्या सोचेंगे बाहर के। गाइस मम्मी का नया फोन आ चुका है और मम्मी तो एकदम खुश हो जाएगी देख के। तो जाते हैं इसका अनबॉक्सिंग करेंगे कैसा होने वाला है फ़ोन। तो आप सबको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा फ़ोन खोल के, इसमें फ़ोन निकलेगा कि साबुन निकलेगा, अब देखते हैं घर जाके। गाइस पेचकस से अनबॉक्सिंग हो रहा है अभी। That is what us Indians are known for, है ना? बिल है ना? देखते हैं गाइस इसमें सा मोबाइल मिलता है या साबुन की टिकिया। तो गाइस अभी बस मैं बैठ लेटा हुआ और भैया सब्जी बना रहा है, पनीर का सब्जी, और कूलर चल रहा है इससे गाइस हो सकता है कि हवा बहुत ज़्यादा आ रहा हो, और मैंने अभी ड्रिंक किया है तो देखते कितने बजे तक खाना बनेगा और खा के डायरेक्ट सो जाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ मैं अभी। तो वेट करते हैं गाइस कब तक खाना बनने वाला है। तो गाइस ये देख सकते हो आप मम्मी का फ़ोन, इसमें भी कुछ ज़्यादा ऐप्स है नहीं गाइस, तो आ जाएंगे धीरे धीरे मम्मी को जो जो सही लगेगा उस तरह से। फ़ोन ठीक है, डिसेंट सा है, काम चलाने का अच्छा फ़ोन है, अब मोटोरोला के फ़ोन मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं गाइस कैसा चलेगा, एक दो दिन में मैं आपको रिव्यू बताऊंगा कैसा चल रहा है फ़ोन, पर अब तक तो मम्मी ने इस्तेमाल भी नहीं किया, ऐसे मेरे पास पड़ा हुआ है। तो देखते हैं गाइस कैसा चलने वाला है फ़ोन। तो गाइस खाना पीना खा लिया और बस डायरेक्ट जा रहा हूँ सोने, और ये टकलोस साइड में सोया हुआ है तो ये जाके सो गया, तो ये भी थक गया था गाइस, तो मैं भी जाके सो रहा हूँ। और फैन का चुई चुई वाला आवाज़ एकदम ठीक हो गया है जो टकलोस ने किया है, ठीक उसमें तेल डाल के।
तो गाइस आज का व्लॉग बस इतने। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो का बेस्ट पार्ट वीडियो कमेंट जरूर बताएं। और प्लीज़ गाइस मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट का बहुत जरूरी है। तब तक बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।